हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्यूब तो स्टूडेंट जब हम किसी भी नंबर की पावर थ्री तक रेज कर देते हैं जैसे टू रेज टू पावर थ्री तो उसके सिंप्लीफिकेशन से जो हमें आंसर मिलेगा वही क्या है उस नंबर का क्यूब है जैसे टू को हमने थ्री तक रेज किया टू इंटू टू इंटू टू तो हमारा आंसर आया एट हियर एट इज अ क्यूब ऑफ टू इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बिफोर डूइंग एक्सरसाइज वी विल स्टडी द रूल्स फॉर क्यूब एंड क्यूब रूट्स आपको कुछ ये थ्री रूल्स हैं ये अच्छे से अपने माइंड में लर्न करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो अवन नंबर जैसे कि टू क्या है इवन नंबर है तो टू का जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा एक इवन नंबर ही होगा इसी तरीके से किसी नंबर के क्यूब भी क्या होगी एक ऑड नंबर ही होगी नेक्स्ट और थर्ड रूल क्या है कि अगर हमें डायरेक्टली किसी नंबर को चेक करते ही उसके क्यूब की यूनिट्स डिजिट फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए आपको ऑनली ऑन टू और थ्री के क्यूब के यूनिट्स डिजिट पता होने चाहिए कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर टू आता है तो उसके क्यूब के लास्ट डिजिट क्या होगी एट और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर थ्री आता है तो उसके क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी सेवन अब आप इसका रिवर्स कर सकते हो कि अगर किसी का एट है तो उसके क्यूब की लास्ट डिजिट होगी टू और किसी की अगर नंबर की लास्ट डिजिट सेवन है तो उसके क्यूब की यूनिट डिजिट होगी थ्री मीन्स टू की एट और एट की टू थ्री की सेवन और सेवन की थ्री अब बाकी पीछे जितने भी डिजिट्स बच गई हैं जीरो से लेके टेन तक मतलब जीरो वन फोर फाइव सिक्स नाइन अगर किसी नंबर में ये सारे डिजिट्स पीछे आती हैं यूनिट्स डिजिट के जगह पे तो उनके क्यूब की यूनिट्स डिजिट भी सेम ही होगी अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है तो उसकी क्यूब की भी लास्ट डिजिट जीरो ही आएगी तो ये तो इजी हो गया ना आपके लिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके लिए एक होमवर्क है कि आपने फेयर नोटबुक में फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल्स नोट डाउन करने हैं और फिर आपने क्यूब फाइंड आउट करने हैं वन से लेके ट्वेंटी तक इन क्यूब्स को राइट भी करना है और लर्न भी करना है नाउ वी विल डू आर एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट थ्री रूल्स करवाए हैं क्यूब और क्यूब रूल्स के लिए उन्हीं को आपने फर्स्ट थ्री क्वेश्चन में अप्लाई करना है इन द फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ एन इवन आपके सामने जो ये गिवन हैं, इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो इवन हैं? हमें पता है कि का ही क्या होता है इवन तो आप इनमें से इवन नंबर्स को फाइंड आउट कर लो तो ईवन नंबर्स कौन से हैं देखो सिक्स यहाँ पे लास्ट में क्या है टू यहाँ पे लास्ट में नाइन यहां पर लास्ट में जीरो मीन्स 216, 512 और 1000 ये तीनों इवन नंबर्स हैं तो इनके क्यूब्स भी क्या होंगे इवन नंबर्स सो ये तीनों क्या है क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और ये जो है वो नहीं है स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि नेक्स्ट ये जो नंबर्स गिवन हैं इनमें से कौन से हैं जो ऑड नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं तो उसमें से भी आप ऑड को फाइंड आउट कर लो बिकॉज हमें पता है कि ऑड नेचुरल नंबर के क्यूब्स ही ऑड होते हैं सो यू कैन डू इट यूर सेल्फ एंड द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आपके सामने नंबर गिवन है आपने उसके क्यूब की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो आपको मैंने बोला था सिर्फ टू और थ्री की लर्न कर लो बाकी हमें पता है जो लास्ट में डिजिट है उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी सेम होगी लास्ट में यहां पे क्या है वन तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी वन ही होगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट में क्या है नाइन तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी नाइन और इसी तरीके से आप बाकी सारी भी फाइंड आउट करोगे एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और फिर आपने इन क्वेश्चन के आंसर देनी है जैसे वन का क्यूब टू थ्री फोर फाइव तो आपको सिक्स का क्यूब फाइंड आउट करना है इन्होंने किस तरीके से किया है देखो फर्स्ट वन का क्यूब वन नेक्स्ट में वन के बाद थ्री फिर फाइव मीन्स और नंबर्स को एड किया है वन के बाद थ्री और फाइव क्योंकि हम टू का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो टू और नंबर्स को एड कर दो नेक्स्ट में हम थ्री का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो थ्री ऑड नंबर को एड किया है फाइव से नेक्स्ट वाले थ्री सेवन नाइन और इलेवन फिर इलेवन वाले नेक्स्ट फोर ऑड नंबर्स को ऐड कर दो तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपने सेवन और एट का क्यूब भी फाइंड आउट करना है सो डू इट योर सेल्फ एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज इज टू हंड्रेड फोर्टी थ्री अ परफेक्ट क्यूब एज यू हैव डन इन योर प्रीवियस चैप्टर कि जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट किए थे सेम उस, उसी मेथड से आपने परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो फाइंड आउट करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 243 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओगे स्टूडेंट्स तो आपने उनको पेयर अप करना है मीन्स उनकी ग्रुपिंग करनी है पर ग्रुपिंग यहाँ पे हम पेयर्स में नहीं करेंगे मीन्स उनके टू टू के पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट बनाएंगे थ्री थ्री के हम यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाएंगे वन टू थ्री थ्री का पूरा एक ट्रिपलेट बन रहा है नेक्स्ट थ्री इंटू थ्री अब एक और थ्री होता तब तो कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाता बट ये टू फैक्टर्स क्या है इनकम्प्लीट बच गए हैं तो इसलिए हमें पता है कि टू हंड्रेड फोर्टी थ्री इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब सिमिलरली यू कैन डू सिक्स सेवेंथ एंड एथ क्वेश्चन सो सिक्स में क्या है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन अ परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो उसके लिए आप इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो बनाओगे अब आपने देखना है कि इसके देखो ये देखो ट्रिपलेट कंप्लीटली बन रहे हैं That means कि 729 अपने सेवेंथ और एट्थ पार्ट खुद सॉल्व करना है सो ट्राई योर योर सेल्फ